फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी की वीडियो में नर्वस सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो पर अपने कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम की, ब्रेन की क्या अहमियत है, मतलब हमें नीड क्यों है, हमें किसी कंट्रोल की और किसी कोऑर्डिनेशन की नीड कैसे है, क्यों हमें इस चीज़ की नीड है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लाइफ का ओरिजिन था वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ था। जैसे जैसे आगे लाइफ ओरिजिनेट होती गई, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे एक सेल से लेके काफ़ी सारी सेल्स डेवलप होती रही और उसी तरीके से आगे आगे मतलब दैट मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जटिलता बढ़ती गई। अब अगर हम अपने बॉडी के बारे में बात करें, सो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स एंड इवन ऑर्गन सिस्टम हैं। अब मतलब दैट मीन्स इतने सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, दिस दैट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ये उनका काम है। अब जैसे कि हम एक सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अगर दैट मीन्स कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारे अंदर क्या चेंज आता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने लगता है, साथ में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है और साथ में स्वेटिंग होने लगती है। ये सब क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक साथ क्यों होने लगती हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स, हमारा हार्ट और हमारे जो मसल्स हैं वो वर्कआउट करते हैं, मतलब कि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब उनकी जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बढ़ी हुई जो डिमांड है, जो एनर्जी की और न्यूट्रिशन की जो बढ़ी हुई डिमांड है, उसको कोप अप करने के लिए ये सारे फिनोमिनन हमारी बॉडी में होने लगते हैं। दैट मीन्स स्वेटिंग होने लगती है, साथ में हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ने लगता है। सो हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है कि जो ऑर्गन्स हैं, जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, जब वो एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे के काम में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का काम पूरा करते हैं, पूरक की तरह काम करते हैं, तब हम उस कंडीशन को, दैट मीन्स उस फंक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और जो हमारी बॉडी में और या जो हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन का काम है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो टॉपिक है वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो स्टडी है, दैट मीन्स जो नर्वस सिस्टम की स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साथ में इसका फंक्शन और क्या डिजीज होती हैं, ये पूरा जो टॉपिक है इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। इसके जो टर्म दी गई है साइंस में, दैट इज़ द न्यूरोलॉजी। अब जो नर्वस सिस्टम का जो वर्क है वो स्पीडी है, मतलब कि बहुत तेज़ी से काम होता है, जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो वर्क है, जो वर्किंग है, वो स्लो है। क्यों? क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर जो वर्क होता है, दैट मीन्स कि वेरियस, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स कुछ केमिकल्स सिक्रेट करती हैं, दे सिक्रेट सम केमिकल्स, तो जो दैट मीन्स जो मैसेज दिया जाता है टू द वेरियस ऑर्गन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल मैसेज। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम की वर्किंग होती है वो स्लो होती है, जबकि जो नर्वस सिस्टम है वो स्पीडी है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या जो वेरियस सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की वजह से ये जो इसकी फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन दोनों का जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है हमारी बॉडी में, वो सेम है, दैट इज़ अ कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम इन आर बॉडी। अब ये न्यूरोलॉजी क्या थी, दैट न्यूरोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साथ में फंक्शन और जो डिजीज है उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है उसको हम न्यूरोलॉजी, उसको नाम दिया गया है। नाउ जो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और जो नर्वस टिश्यू है मींस जो दैट मींस इसके जो पार्ट्स हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है न्यूरॉन,
साथ में न्यूरोक्लियर सेल्स, देन द एपेंडाइमल सेल्स एंड द न्यूरोसेकेटरी सेल्स. न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू. और इसके साथ में जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो बेसिक यूनिट है या जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट है दैट इज द न्यूरॉन. और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, दैट इज द न्यूरॉन. न्यूरॉन को हम आने वाली स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम भी है कि इसके दो पार्ट है. एक तो उसकी सेल बॉडी है जिसको हम साइटॉन कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट अ साइटॉन, दैट इज वाई साइटॉन इज अ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. और इसके साथ में इसका कुछ प्रोसेस होते हैं, दैट इज द साइटॉन. कुछ इसका रफ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. ये मान लीजिए कि इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, मे बी इट इज ओवल, मे बी इट इज स्टार शेप्ड. इसके साथ में इसके नीचे कुछ प्रोसेसेस से होते हैं, उसको कहते हैं नर्व फाइबर्स. अब जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी दैट कैन बी यूनिपोलर, दैट कैन बी बाईपोलर, दैट कैन बी मल्टीपोल, दैट कैन बी मल्टीपोलर ऑल्सो. मल्टीपोलर होता है जहां पे सेल बॉडी से ही बहुत सारे प्रोसेसेस निकले होते हैं, मतलब इस तरीके से करके काफी सारे प्रोसेसेस बाहर की तरफ निकले होते हैं जिनको हम डेंड्राइट कहते हैं. और इसके साथ में एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं. बाईपोलर होता है जहां पर खाली दो ही इसके डेंड्राइट और इसके दो ही प्रोसेस निकले हुए हैं, उसको बाइपोलर कहते हैं. यूनिपोलर होता है जहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेस निकला है और वो ही प्रोसेस आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो हो रहा है एक्सॉन में और दूसरा हो रहा है डेंड्राइट में, केवल एक ही प्रोसेस निकला हुआ है. नर्व फाइबर की हम बात करें तो नर्व फाइबर दो तरीके के होते हैं, मेडुलेटेड एंड द नॉन मेडुलेटेड, जिसको हम प्रॉपर इसका डिस्कशन हम आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको मिलेगा. वहां पे रिटर्न में भी है ये कि मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड क्या होता है. मेडुलेटेड होता है एक्चुअल में एक माइलिन शीट होती है, माइलिन शीट, उसकी प्रेजेंस की वजह से उसको हम मेडुलेटेड कहते हैं. नॉन मेडुलेटेड में ये माइलिन शीट एब्सेंट होती है. सो दैट इज इसका हमने एक रफ यहाँ पे एक इसका बता दिया कि हम किस तरीके से इस आगे जो दैट मीन्स वीडियो है उसमें किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यूरॉन. जैसे कि हमने बताया कि न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये बिल्कुल बेसिक और स्ट्रक्चरल इसकी दैट मीन्स जो यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन. ये जो आप देख रहे हैं दैट इज अ 3D पिक्चर ऑफ न्यूरॉन. ये 3D पिक्चर है इसकी. अब आप इसके स्ट्रक्चर पर आए, जैसे कि हमने कहा था कि इसकी एक सेल बॉडी होती है जिसको साइटॉन कहते हैं. ये देखिए, दैट कैन बी ओवल, दैट कैन बी राउंडेड, दैट कैन बी स्टार शेप, इसकी कुछ भी शेप हो सकती है. और ये जो इसके प्रोसेसेस निकले हुए हैं इनको कहा जाता है डेंड्राइट. वी कॉल इट एज डेंड्राइट कहा जाता है. इन डेंड्राइट का काम क्या होता है कि जो नर्व इंपल्स होती है उसको ये सेल बॉडी तक लेकर आते हैं. इसका फंक्शन ये होता है. अब जो न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी में न्यूक्लियस है और इसके साथ में यहाँ पे इसका जो प्लाज्म है दैट मीन्स यहाँ पे एक प्लाज्मा भी इसके इसके चारों तरफ होता है. इस सेल बॉडी के अंदर प्लाज्मा भी होता है साथ में न्यूक्लियस होता है. जो प्लाज्मा होता है वहाँ पर मीन्स गॉल्गी एपरेटस और इसके साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रेजेंट होता है. यहाँ पर जो आप इसका एक लॉन्ग प्रोजेक्शन देख रहे हैं दैट इज द एक्सॉन. इसको एक्सॉन कहा जाता है. डेंड्राइट, एक्सॉन, दीज आर द नर्व फाइबर्स हैं ये. अब यही एक्सॉन की आपको दिखाई दे रही है दैट इज द शीथ. ये जो हम माइलिन शीथ की बात कर रहे थे, जो मेडुलेटेड जो दैट मीन्स जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनमें ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जबकि जो नॉन मेडुलेटेड होते हैं उसके ऊपर ये आउटर शीट एब्सेंट होती है. जो रोड ऑफ सॉरी दैट इज अ नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो CNS सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पर जो नर्व्स हैं वहां पर तो माइलिन शीट सब जगह कॉन्टिन्यूस होती है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वहां पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर ये शीट एब्सेंट होती है, उसी को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर. देन उसके बाद आता है एक्सॉन टर्मिनल. लास्ट में ये जो आप इसका स्वेल इसका मींस जो फूला हुआ पार्ट देख रहे हैं दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल और उसका एक्सॉन की जो एंडिंग है. सो दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. अ नर्व सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट
ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व सेल और न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर, जो बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये कभी डिवाइड नहीं करती है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, और ये बर्थ के एकदम बाद ही इसकी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है. बट इसकी खासियत है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन्स जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, ये कभी भी डिवाइड नहीं होती है, इनके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है. अब जो इसके कंपोनेंट है न्यूरॉन के, दैट इज द सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं, एंड डेंड्राइट. सेल बॉडी, सेल बॉडी हमने बताया कि उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर, और साथ में न्यूरोप्लाज्म. न्यूरोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा, जो एक फ्लूइड टाइप स्टक, दैट मींस एक फ्लूइड टाइप होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं. इसी न्यूरोप्लाज्म में गॉल्गी एपरेटस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ में होता है न्यूरोफाइब्रिल. न्यूरोफाइब्रिल जो है, जैसे ये एक फाइब्रिल टाइप स्ट्रक्चर है, सो देयरफॉर इट फॉर्म अ नेटवर्क. ये एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. मे बी इसका फंक्शन ये है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये जो नर्व इम्पल्स आ रही है उसको ट्रांसमिट करना. साथ में निजिल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं. निजिल ग्रेन्यूल, जो ये निजिल ग्रेन्यूल हैं, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का. ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं फॉर द सेल. सेल के मतलब दैट मीन्स सेल के लिए जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो यही निजिल ग्रेन्यूल करते हैं. देन न्यूरॉन का दूसरा पार्ट है, दैट इज अ डेंड्राइट. जैसे हमने बताया था कि सेल बॉडी से कुछ प्रोसेसेस बाहर की तरफ निकल रहे थे, उनको कहा जाता है डेंड्राइट. अब ये डेंड्राइट का काम क्या था, जैसे हमने बताया कि ये नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लेकर आते हैं. अब इसकी जो ब्रांचिंग होती है, नॉर्मली ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं. इसकी ब्रांचिंग का फायदा ये होता है कि ये बहुत अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर मीन्स फॉर रिसीविंग द इम्पल्स. ये नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रहे हैं, बट क्योंकि ये इनकी ब्रांचिंग है, सो उस ब्रांचिंग का फायदा ये होता है कि एक अच्छा सरफेस एरिया मिल जाता है फॉर दिस इंडक्शन. मीन्स जो नर्व इम्पल्स का इंडक्शन हो रहा है उसके लिए एक अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ये. अब इन डेंड्राइट्स के अंदर भी निजिल ग्रेन्यूल्स, इसके साथ में न्यूरोफाइब्रिल्स और न्यूरोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं. निजिल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि डेंड्राइट में भी प्रोटीन सिंथेसिस है, वहां भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. नाउ कम टू द एक्सॉन पार्ट. सेल बॉडी से एक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकलता है जिसको हम हिलॉक कहते हैं. उसी हिलॉक से एक लॉन्ग मीन्स एक सिलेंडर टाइप प्रोसेस होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, जिसको हमने जो प्रीवियस जो स्लाइड में उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था वहां हमने देखा था, एक लॉन्ग प्रोसेस था उसको कहा जाता है एक्सॉन. और इसका जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, नियरली सेम डायमीटर होता है थ्रू आउट. एक्सॉन कंटेन, यहाँ भी न्यूरोफाइब्रिल न्यूरोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट लैक्स द निजिल ग्रेन्यूल. इसका मतलब है कि एक्सॉन पे कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, ये अपने प्रोटीन डिमांड के लिए सेल बॉडी पे ही डिपेंड है. सेल बॉडी में निजिल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, इसके साथ में डेंड्राइट है, वहां भी निजिल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, लेकिन एक्सॉन में कोई भी निजिल ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है. सो देयरफॉर अपने प्रोटीन की नीड के लिए ये सेल बॉडी पे डिपेंड है. अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो है, एक तो है एक्सोलिमा, एंड इट्स जो उसका साइटोप्लाज्म है अंदर उसको कहा जाता है एक्सोप्लाज्म. एक्सो जो टर्म है दैट इज फॉर द एक्सॉन. सो उसका जो प्लाज्म है उसको कहा जाता है, जो उसका फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है अंदर उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं एक्सोलिमा. नाउ वट इज द साइनेप्सिस. अब साइनेप्सिस क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वट इज साइनेप्सिस. न्यूरोन का जैसे हमने बताया कि जो उनका स्ट्रक्चर है, ऊपर होती है सेल बॉडी और नीचे होता है उसका एक्सॉन. एक लॉन्ग स्ट्रक्चर टाइप प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं. अब ये जो हमारी बॉडी में होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये एंड टू एंड लाई करते हैं, मतलब एक चेन की तरह ये बनाते हैं. और इसका काम क्या है, जो ये चेन बनी हुई है इसका काम है कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना इन द बॉडी. मींस जो नर्व इम्पल्स है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करना इसका ये जो दैट मींस जो ये काम होता है, दैट इज बिकॉज कि ये चेन टू चेन एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ये अरेंज होते हैं. ईच न्यूरोन रिसीव एन इम्पल्स थ्रू इट्स डेंड्राइट. जैसे हमने बताया कि डेंड्राइट का काम क्या था, डेंड्राइट का काम था कि वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लेकर आते हैं एंड पासिस
इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू द एक्सॉन. जो डेंड्राइट जो उसके सेल बॉडी पे प्रोसेसेस थे वहां से नर्व इंपल्स आया और उसके बाद फिर नर्व इंपल्स एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन होता है. अब एंड टू एंड जो उनकी पोजीशन है वहां पर, जैसे कि दैट मींस कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे के डेंड्राइट, वहां ये जो पोजीशन है उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं. जैसे हमने बताया कि जो न्यूरॉन एंड टू एंड अरेंज हो रखे हैं, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी होती है. इनकी मेम्ब्रेन, इन फाइबर्स की जो मेम्ब्रेन है वो जुड़ी नहीं होती. देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप होता है और ये जो गैप होता है दैट इज अराउंड 200 ऑंगस्ट्रॉम का ये गैप होता है. इस गैप को हम साइनेप्सिस कहते हैं. तो यहां पर हम नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, अगर यहां बीच में गैप है, मेम्ब्रेन मिली नहीं हुई है, तो साइनेप्सिस पर किस तरीके से दैट मींस जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इसके थ्रू ही नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है एट द साइनेप्सिस. और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलीन. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप यहां स्ट्रक्चर में देखिए, दैट इज अ साइनेप्सिस. ये जो है ये है एक्सॉन, ये एक न्यूरोन का एक्सॉन है. अब उसके साथ जैसे हमने बताया कि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं दैट इज अ साइनेप्सिस. अब ये जो साइनेप्सिस है, ये जो गैप है, ये अराउंड 200 ऑंगस्ट्रॉम का ये गैप होता है. जो एक्सॉन का मीन्स जो टर्मिनल है वहां पर कुछ वेसिकल्स होती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, ये जो सिक्रेट करती हैं दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज द एसिटाइल कोलीन. एसिटाइल कोलीन दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर. इसी के थ्रू नर्व इंपल्स एक्सॉन टू डेंड्राइट ट्रांसफर होती है. दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दैट इज कि साइनेप्सिस क्या है और इसके साथ में न्यूरोट्रांसमीटर, ये है एसिटाइल कोलीन. नाउ कम टू द नर्व फाइबर्स एंड नर्व्स. जैसे हमने बताया कि जो सेल बॉडी से कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं इनको हम कहते हैं नर्व फाइबर्स. और यही नर्व फाइबर्स बंडल के रूप में हो जाते हैं और तो वो बना देते हैं नर्व. तो नर्व फाइबर्स क्या है? नर्व फाइबर्स दीज आर द प्रोसेसेस विच कम्स आउट ऑफ द सेल बॉडी. जो सेल बॉडी से जो प्रोसेसेस निकलते हैं उनको नर्व फाइबर्स कहते हैं. और ये नर्व फाइबर्स जो है ये कुछ वन और टू शीथ मतलब एक कवरिंग में कवर होते हैं, इनको कहते हैं नर्व फाइबर. और यही नर्व फाइबर बंडल फॉर्म में हो जाते हैं और तब वो फॉर्मेशन करते हैं नर्व की. सो एक्सॉन ऑफ अ नर्व सेल, नर्व सेल मतलब न्यूरॉन का जो लॉन्ग प्रोसेस है, जो सबसे लॉन्ग प्रोसेस होता है नर्व सेल का, न्यूरॉन का, उसको हमने एक्सॉन नाम दिया था. यही एक्सॉन जब वन और टू शीथ और कवरिंग में लिपटा हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं नर्व फाइबर. यही नर्व फाइबर बंडल फॉर्म में हो जाते हैं तब हम उनको कहते हैं नर्व्स. अब ये जो नर्व फाइबर होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, मे बी इट इज मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड. मेडुलेटेड होते हैं जब जो माइलिन शीथ होती है, दैट मींस कि उसका कोर है, उसका जो सेंट्रल कोर है, उस जो सेंट्रल सिलेंडर है, जो सेंट्रल कोर है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ. ये माइलिन शीथ इस केस में प्रेजेंट होती है और उसके बाहर एक और लाइनिंग होती है, देन उसको हम कहते हैं नीरोलेमा. अब जो मेडुलेटेड होते हैं उसमें ये माइलिन शीथ कोर के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो इनर शीथ है माइलिन शीथ वो प्रेजेंट होती है. लेकिन जो नॉन मेडुलेटेड होते हैं उनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है. माइलिन शीथ एब्सेंट वो नहीं होती, केवल आउटर कवरिंग होती है. दैट मीन्स न्यूरोलेमा, जो कोर के ऊपर कवरिंग है, आउटर कवरिंग, वो प्रेजेंट है नॉन मेडुलेटेड में. माइलिन शीट जो इनर शीट है वो एब्सेंट होती है. अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर है. नर्व, नर्व क्या थी? नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर. नर्व जो अभी बंडल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द नर्व फाइबर्स के ये बंडल हैं. और यही बंडल एक साथ एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं एपिन्यूरियम. एपिन्यूरियम इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ अ नर्व.
और उसके अंदर काफी सारे बंडल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं. नर्व के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द नर्व. अब हम इसका एक अलग से जो आपको एनलार्ज स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है कि अगर एक बंडल को मीन्स यहाँ पर इस व्यू में ऐसा है कि एक बंडल को अलग से उसका स्ट्रक्चर दिखाई दिया. अब इसका जो ईच बंडल है उसको हम कहते हैं फैजलिकुली. फैजलिकुली ईच बंडल को नर्व फाइबर का जो बंडल है उसको फैजलिकुली कहा जाता है और जो उसकी आउटर कवरिंग है उसको कहा जाता है पेरिन्यूरियम. पेरिन्यूरियम इज अ आउटर कवरिंग ऑफ द ईच नर्व बंडल. अब इसके अंदर क्या है, जैसे बताया कि नर्व फाइबर क्या है, नर्व फाइबर है कि एक्सॉन मतलब जो नर्व मतलब जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के जो एक्सॉन है उन्हीं को, दैट मींस कि वो मींस उसी का बंडल है एक्चुअल में फैजलिकुली. सो ईच एक्सॉन का जो ऊपर की इसकी जो कवरिंग है उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम और यही एक्सॉन मिलकर नर्व फाइबर बना रहे हैं. देन दीज नर्व फाइबर मेक्स द नर्व. इन्हीं के बंडल को कलेक्टिवली हम कहते हैं नर्व. अब जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर. ये तीन तरीके के हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड अ मिक्स्ड नर्व. सेंसरी नर्व्स वो हैं जो नॉर्मली सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, दैट मींस ऑप्टिक्स में, साथ में ऑडिटरी एंड ओलफैक्टरी, दैट मींस आँखों में और साथ में ईयर्स और साथ में नोज. इस तरीके के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं. मोटर नर्व्स पाई जाती हैं वहाँ पर जहाँ पर मीन्स दैट मीन्स की जो ग्लैंड सेल्स होती हैं, मीन्स कि जो कि किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं, किसी तरीके की जो स्टिमुलाई है या दैट मीन्स स्टिमुलाई ये है कि अगर हमारा हाथ कहीं पर किसी बर्निंग चीज पर आया तो हम अपना हाथ पीछे करते हैं. सो देयरफॉर जो दैट मींस कि जहाँ पे कोई रिस्पॉन्स हो रहा है, जहाँ पे हम किसी सिचुएशन पे कोई मीन्स हम कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं वहाँ पर ये नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. सो उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स. मिक्स नर्व होती हैं जो कि सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स के बीच में होती हैं, मतलब ये वहाँ पर सिचुएशन होती है इनका इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं. और इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइगेमिनल एंड द फेशियल और मोटर के हैं पैथेटिक एंड द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. नाउ द शेवान सेल्स. शेवान सेल्स क्या होती हैं इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये पेरिफेरल एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इसका जो सेकेंड जो इसका आने वाला पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है. यहाँ पर हमने सिर्फ नर्वस सिस्टम की जो बेसिक इसके जो दैट मीन्स की यूनिट्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो शेवान सेल्स हैं ये दैट रैप अराउंड द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ये दैट इज द एक्सॉन, उसके चारों तरफ जो लाइनिंग होती है जिसको हम न्यूरोलेमा हमने नाम दिया था, न्यूरोलेमा. दैट न्यूरोलेमा लाइनिंग इज मेड अप ऑफ द शेवान सेल. ये शेवान सेल से मिलकर बनी होती है. सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आप ये देखिए कि दैट इज अ एक्सॉन, उसके ऊपर ये जो शीत है ये माइलिन की शीत है. ये जो दैट मीन्स जो हमने लिया है दैट इज अ मेडुलेटेड ये एक्सॉन और जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर है ये उसका एग्जाम्पल है. सो माइलिन शीथ इज प्रेजेंट. उसके बाहर जो न्यूरोलेमा है जो आउटर कवरिंग है वहां पर शेवान सेल्स प्रेजेंट होती है, उसी से मिलकर जो न्यूरोलेमा शीथ है वो बनी है. नाउ व्हाट इज अ न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया इज एक्चुअल में पैकिंग सेल्स. ये पैकिंग सेल्स है एक्चुअल में, ये जो सेल्स हैं दीज आर द पैकिंग सेल्स एंड इनका काम क्या है, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स एंड दे फाउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती हैं. ब्रेन में जो 50% सेल्स हैं वो यही मीन्स जो 50% सेल्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन दीज आर द न्यूरोग्लिया और इनका काम है पैकिंग का काम है इनका एक्चुअल में. नाउ द एपेंडाइमन सेल्स. एपेंडाइमन सेल्स दीज आर द एपिथीलियल सेल्स हैं. ये दैट मीन्स जो एपिथीलियल जो आउटर लाइनिंग है कैविटी की ये उसको लाइन करती हैं. सो दीज आर द एपेंडाइमन सेल. यहाँ इनका स्पेशल नेम है एपिथीलियम मतलब आउटर कवरिंग. यहाँ पे दैट मीन्स जो नर्वस सिस्टम है वहाँ इनका स्पेशल नेम है दैट इज द एपेंडाइमन सेल्स. एंड देन द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होती हैं कि जो एक्सॉन टर्मिनल है, जो एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पर कुछ वेजिकल्स होते हैं जो जो कि इस तरीके की दैट मीन्स कुछ
कुछ न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ये जो न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करते हैं ये क्या होता है कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं जाते, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, मतलब इनका जो इनका सिक्रेशन होता है दैट इज इनटू द डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट बिल्कुल सीधा ब्लड में जाते हैं, कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट में किसी डेंड्राइट पे नहीं जाते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड होते थे, मतलब दैट मीन्स इनका प्रेजेंस कहाँ पे, इनकी प्रेजेंस है ऑन द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं या एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करते हैं। एंडोक्राइन ऑर्गन का क्या काम है, एंडोक्राइन मतलब कुछ इस तरीके की ग्लैंड हैं जो कि कुछ हार्मोन सिक्रेट करती हैं दैट इज इनटू द डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट ब्लड में उनका सिक्रेशन होता है। सो जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं ये कुछ न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करती हैं दैट इज डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधा ब्लड में इनका सिक्रेशन होता है। इसका एग्जांपल है कि जो हमारे जो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, ये हमारे ब्रेन का रीजन है, वहां से कुछ न्यूरो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके हार्मोन के सिक्रेशन को ये इफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द, इनको हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब जो इसका फर्दर पार्ट होगा उसमें हम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। विद दिस नोट वी एंड आर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।